हाय फ्रेंड। तो हमारे पास ये मारुति सुजुकी का ब्रेजा गाड़ी है, जिसका हम क्लच प्लेट चेंज करने वाले हैं। और इसका गियर साइड से बीचों बीच इंजन का ब्लॉक होता है और गियर बॉक्स का जॉइंट होता है, वहाँ से सेंटर से इंजन ऑयल लीकेज है, तो वो भी हम चेक करने वाले हैं। वो इंजन ऑयल अपने को मैनुअल ऑयल सील से ही लग रहा है, तो इसके लिए हम इसका गियर बॉक्स भी खोलने वाले हैं। तो दिखाते हैं आपको ऑयल कहाँ से लीकेज है, और फिर खोल के दिखाते हैं क्लच क्या कंडीशन है। तो वीडियो को देखते रहे। इधर देख सकते हैं पूरा ये लीकेज है, इधर से गियर साइड से ही पूरा लीकेज है। तो इसका अभी हम गियर बॉक्स खोलेंगे, दिखाते हैं इधर क्या प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं कितना लीकेज था ये। तो इसके लिए हमने इसका गियर बॉक्स खोला है, काफ़ी इधर से ऑयल लीकेज था पूरा। और इसका ये गियर में भी देख सकते हो, इसको तो अभी हम ये क्लीन कर रहे हैं इसको। और इसका ये पुराना वाला प्रेशर प्लेट है, और इसका ये ऑयल सील है जो लीकेज था। और इसका ये क्लच है, क्योंकि एक साइड से ये बराबर है, ये देख सकते हो, और ये दूसरे साइड से ये जल गया है, ये देख सकते हो कैसा। तो इसको भी हम चेंज करेंगे, पूरा क्लीन कर रहे, देख सकते हो पेट्रोल से पूरा ऑयल ऑयल है पूरा, ये देख सकते हो ये पूरा अपना क्लीन हो गया। ये अभी इसको हम कपड़े से पूरा इसको साफ कर लेंगे। और इसका ये प्रेशर प्लेट है, ये सॉरी ये वाला, ये देख सकते हो। और ये कितने का है, ये 1350 रुपये का ये इसका प्रेशर प्लेट, इधर देख सकते हो आप। और इसका ये क्लच प्लेट है, क्योंकि ये 1965 रुपये का है, इसका ओरिजिनल काफ़ी सस्ता था ये मारुति का पार्ट, क्योंकि देख सकते हो ये 1965 और ये 1350 और ये 3590 और ये 900 रुपये का इसका मेन ऑयल सील। तो ये सामान इसमें हम डालने वाले सब। तो ये सब अपना पुराना है, ये हम चेंज करेंगे। तो इधर देख सकते हैं इसका हमने ये मेन ऑयल सील हमने इधर इसका फिटिंग कर दिया है, और इसका ये जूना वाला ऑयल सील है। अब इसका फ्लाईव्हील फिटिंग करेंगे, फिर इसका क्लच फिटिंग करेंगे। इसमें फ्लाईव्हील का ये जो बोल्ट ना, इसमें जब भी टाइट करें ना, तो इसमें एना बोल्ट लगा लें, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है ना, पूरा आर पार रहता है इसका। बहुत सा गाड़ी क्या रहता है, खाली बोल्ट टाइट करने का जगह होता है, पर इसका पूरा आर पार है। अगर इसमें एना बोल्ट नहीं लगाएंगे इसके बोल्ट में, ऐसा इधर देख सकते हो हमने एना बोल्ट लगा रखा है इसमें, अगर एना बोल्ट नहीं लगाएंगे ऐसी फिटिंग करेंगे, तो फिर इधर से ऑयल लीकेज करेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं क्रैंक का अंदर का दिख रहा है वायरिंग अपने को। तो इसमें एना बोल्ट लगा के लगाने का ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम आएगा। तो इसमें एना बोल्ट लगा के ही अपने को लगाना होता है इसका बोल्ट। फाइनल अपना क्लच सब टाइट हो गया, ये प्रेशर पैड देख सकते हो। तो अभी हम इसको ऐसे ओपन में स्टार्ट करके एक बार इसको चेक करेंगे लीकेज, गियर बॉक्स फिटिंग नहीं करेंगे, ऐसे इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे कि अपन ऑयल सील डाले इसमें नया, तो कभी कभी क्या हो जाता है प्रॉब्लम। इसके लिए इसको आप ऐसे चेक करेंगे लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दिखाता हूँ कैसा, अभी ऐसा चेक करेंगे हम स्टार्ट करके लगाया बैटरी। हाँ तो इसको हम ऐसे स्टार्ट करके चेक कर रहे हैं। सेल्फ मार, डाला हुआ है इसके लिए। तो ये ऑयल सेल कभी भी आप डालते हैं ना, तो इसमें स्टार्ट करके चेक करने के लिए सबसे बेस्ट है। क्या अगर जो आप गियर बॉक्स फिटिंग कर देंगे तो कहीं लीकेज हुआ तो वापस से गियर बॉक्स अपने खोलना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा चेक करने का तरीका यही है, जो आप इस तरह से आप चेक कर सकते हो ऑयल सेल नया डालने के बाद में, क्योंकि ये बैक साइड का होता है, थोड़ा वो होता है कहीं लीकेज होने लगेगा तो वापस से आपको गियर बॉक्स खोलना पड़ेगा। इसके लिए कहीं भी इस तरह आप स्टार्ट करके गाड़ी को चेक कर सकते हो अपना। अभी तक हमने गाड़ी को स्टार्ट रखा है, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गया है, और ये अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंदर साइड में
अंदर साइड में आप इधर देख सकते हैं। आपने देखा है यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है, जो कि इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। काफी इजी है चेक करना। कभी भी आप अगर वाल्व डालते हो 10 से 15 मिनट गाड़ी आप स्टार्ट करके छोड़ दो इसे ही आइडल में, अगर लीकेज रहेगा तो आपको जगह पे मालूम पड़ जाएगा। और जो आप गेयरबॉक्स फिटिंग कर देंगे तो आपको वापस से पूरा गेयरबॉक्स खोलना पड़ेगा ऑयल सील रिटर्न खोलने के लिए, क्योंकि बाहर साइड का जो रहता है वो थोड़ा इजी रहता है, अंदर साइड है इसके लिए इस तरह करेंगे तो काफ़ी बेस्ट है। गाड़ी बंद कर दें। बंद करने बोल दो ना, एक मिनट रुको वापस देख लेता हूँ। नहीं लिखिस तो नहीं है, सूखा हुआ है। देख सकते हैं फाइनल अपना ये पूरा फिटिंग हो गया अपना गियर बॉक्स वगैरह पूरा। ये देख सकते हो टायर भी हमने लगा दिया इसका, और अभी इसका इंजन ऑयल फिल्टर हम चेंज कर रहे हैं। देख सकते हैं इंजन ऑयल इसका हमने खोला है अभी। इसका ये ऑयल फिल्टर है 380 का है। छह मिनट टाइट करो। एयर फिल्टर वही रहने देंगे क्योंकि ऐसा ही इसको हमने क्लीन करके लिया है, ये देख सकते हो। ऑयल ऑयल फिल्टर सब चेंज हो गया। हाँ स्टार्ट करो गाड़ी। ऑयल चढ़ेगा ना इसमें तो जाएगा आपको। सब गियर डाल के चेक करो। बरोबर है ना? रिवर्स डालो, रिवर्स डालो, रिवर्स सही है। पैडल बरोबर है ना? रुको छोड़ो, पैडल छोड़ो। टाइट कर रहा हूं, पंप करो। बराबर है ना? नहीं है तो ये अपना गाड़ी पूरा ओके हो गया फाइनली। तो इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम था क्लच का और ऑयल लीकेज का। डाउन करो गाड़ी। एकदम परफेक्ट चल रहा है गाड़ी है ना।